वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। आज गाइज आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं आज काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा काम में बिज़ी था इसलिए नहीं ये ब्लॉग शूट किया। तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और आज मैं आपको इस शहर का कुछ नज़ारे दिखाने वाला हूँ और ड्रोन शॉट भी दिखाऊँगा आपको। पर मेरे पास ड्रोन कैमरा नहीं है, पर फिर भी आपको इस शहर के नज़ारे दिखाऊँगा ड्रोन शॉट के ज़रिए। और ये शहर मेरे लिए बहुत ख़ास है और मेरी इस शहर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ और मुझे ये शहर बहुत पसंद है। इस शहर से इतनी ज़्यादा हमारी यादें जुड़ी हुई हैं और इस शहर से मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ, अनजान लोगों से मिला हूँ और अनजान के अलावा मैंने यहाँ अपनी बहुत सारे लोगों से दोस्ती कर रखी है और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोग मुझे मिले यहाँ के और काफ़ी अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके। और काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई नया इंसान किसी नए इंसान से दोस्ती करता है और मेरा इस शहर से जाने का दिल नहीं करता गाइस। और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मैं इस शहर का नाम गाइस डेरा है और डेरा का एक छोटा सा सिटी मुरकाबाद है और मुझे यहाँ रहते रहते समथिंग 3 इयर्स 6 मंथ हो चुके हैं और कुछ साल मैंने अबू धाबी में काटे। तो मुझे ये दुबई शहर बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है दुबई शहर में और मेरी काफ़ी सारी यादें इससे जुड़ी हुई हैं। और आपको आज दिखाते हैं दुबई शहर के नज़ारे और कैसा खूबसूरत ये शहर है और कैसे खूबसूरत लोग यहाँ मिलते हैं आके, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग मिलते हैं। पर जब कोई किसी से मिलता है तो उससे काफ़ी सारी यादें जुड़ जाती हैं और उससे दोस्ती करने का दिल करता है। तो मेरी भी ऐसी काफ़ी सारे लोगों से यहाँ दोस्ती हो चुकी है और मेरे काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के दोस्त हैं और मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है और मैं ज़्यादातर उनके साथ अपना वक्त गुजारता हूँ और मैं उनके साथ घूमता भी हूँ और ट्रैवल भी करता हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और यहाँ ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद है और इसीलिए मैंने ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और ये ब्लॉग चैनल भी इसीलिए बनाया क्योंकि मेरी यादें, मेरी उम्मीदें, मेरे सपने, मेरे शहर से जो जुड़ी बातें हैं वो मुझे याद रहें और आपको भी दिखा सकें। तो चलते हैं गाइस, इस शहर का आपको नज़ारा दिखाते हैं, ये शहर कितना खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती के क्या नज़ारे हैं। तो आपको दिखाते हैं आज ड्रोन शॉट, पर मेरे पास कोई ड्रोन कैमरा नहीं है, पर फिर भी आपको ड्रोन शॉट दिखाते हैं आपको किस तरीके से ये शहर दिखाई देता है और किस तरीके से ये शहर कितना खूबसूरत है और यहाँ लोग कैसे कैसे रहते हैं। आज सबसे मिलवाते हैं, कुछ लोगों से मिलवाते हैं, सबसे तो नहीं बट कुछ लोगों से आपको मिलवाते हैं जो यहाँ शहर में रहते हैं। कभी इंडियंस हैं, कभी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं, तो आज आपसे मिलवाते हैं। एडवेंचर कैसे लोग करते हैं, एडवेंचर ये देख सकते हैं आप, दिखाते हैं अब ड्रोन शॉट इसके ऊपर का, ऊपर से ये शहर कितना खूबसूरत दिखाई देता है। खड़ा हूँ ये मुरक्काबाद जगह है, ये डेरा सिटी में मुरक्काबाद लगता है और ये मुरक्काबाद जगह है। मुरक्काबाद के अंदर एक क्लॉक टावर है जिसको भी मैं आगे दिखाऊंगा आगे वीडियो में और ये काफ़ी अच्छे जगह है, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंगें हैं यहाँ की और काफ़ी बेहतरीन नज़ारे हैं यहाँ के। ये शहर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। जब आपसे मिलेंगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई ये लोग बहुत अच्छे हैं और मुझे इनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है गाइज। सबसे अच्छी बात गाइज ये लगती है क्योंकि यहाँ इतनी अच्छी फैसिलिटी है जो कभी मैंने और जगह में नहीं देखी। बहुत अच्छी फैसिलिटी, आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको कहीं जाना है या कहीं आपको ट्रैवल करना है तो आपको बहुत अच्छे सिस्टम है यहाँ के, इतना अच्छा सिस्टम है। आपको एक रोड साइड में आपको एक
गाड़ी पार्क बनाए, आप वहाँ बैठे, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद एक टैक्सी रुकेगी, आपको पूछेगी, खुद आपको पूछेगी आप कहाँ जाएंगे। और इसी तरीके से ऐसी बसों में कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बस स्टॉप है, अभी यहाँ एक बस आके रुकी है, आप देख सकते हैं। और ये अभी गोल्ड शॉप जा रही है और काफ़ी अच्छा सिस्टम है यहाँ का। और यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है बसों में कि आपने टिकट दिया या बस का एक कार्ड होता है, उस कार्ड को रिचार्ज कराएं, और रिचार्ज कराने के बाद आप कहीं भी इस मुल्क में कहीं भी जाना, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ की। और प्राइस जितना ये शहर खूबसूरत दिखाई देता है, ऐसे ही यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे लोग हैं। काफ़ी अच्छा सिस्टम है, जैसे अपने यहाँ ऐसा मैंने सिस्टम नहीं देखा, पर यहाँ ऐसा सिस्टम है, आपको आपके जेब में पैसा नहीं, अगर आपके कार्ड में पैसा है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, और आपको लोग खुद ब खुद हेल्प भी करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को हेल्प करते हैं, क्योंकि हर बंदा एक डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का लोग हैं यहाँ पे, और अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं, तो एक दूसरे की जाहिर सी बात है सब हेल्प करते हैं। हमारे पीछे एक बंदे ने टैक्सी रोका, तुरंत एक 2 सेकंड में एक टैक्सी रोका और वहाँ आदमी अभी बैठ के जाने लगे हैं कुछ लोग। और ऐसे ही यहाँ पे आप अगर किसी टैक्सी को रोकते हैं, और यहाँ की एक टैक्सी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत टैक्सी है, कैमरी की ज़्यादातर टैक्सी चलती हैं, कैमरी कंपनी की, और काफ़ी अच्छी दुबई टैक्सी है ये, और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की टैक्सी हैं, ये आप देख सकते हैं। ये टैक्सी अभी चल रही है, टैक्सी चली गई, लेकिन कितनी अच्छी कैमरी कंपनी की टैक्सी, एक और हमारे सामने ये टैक्सी जा रही है, सारी कैमरी देख सकते हैं, एक और ये टैक्सी होंडा की। गाइस आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ का बिल्डिंग कलेक्शन, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिल्डिंग कलेक्शन है यहाँ का, काफ़ी बेस्ट बिल्डिंग कलेक्शन है आप देख सकते हैं। और काफ़ी ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, समथिंग 20-20 माले की, 25-25 माले की, और 11 फ्लोर की अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ का व्यू है, और मैं अभी इस ब्लॉग को धूप में शूट कर रहा हूँ, और मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा धूप है, और मुझे काफ़ी ये ब्लॉग शूट करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लोकेशन है यहाँ का। और यहाँ पीछे कुछ खजूर के पेड़ लगे हैं, क्योंकि अभी कुछ खजूर आ चुके हैं, दिखाते हैं आपको चल के पीछे। सो अभी हम आ चुके हैं खजूर के पेड़ के पास, आप देख सकते हैं हमारे ऊपर कुछ खजूर निकल रहे हैं, और ये अभी काफ़ी सारी धूप में ये पक जाएंगे कुछ दिन के बाद, और जब पक जाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गाइस बने रहे हमारे ब्लॉग में, और हम अगर ये ब्लॉग हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों में आगे शेयर करें, और अपना कमेंट करके बताएँ।